मराठा आरक्षणावर पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण, मी आरक्षणाच्या बाजूचा। सवाल यह है कि मैंने जरांगे पाटिल इनको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चलो आप बीजेपी के खिलाफ हो, आप हमारे खिलाफ हो, आप कहते हैं कि हमारे कारण नहीं होता है, तो आप जिनको समर्थन दे रहे हो लोकसभा में, आपने समर्थन जिनको दिया, आपके लोगों ने लोकसभा के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी का, चलो उन तीनों से लिखवा लो ना, उन तीनों से लिखवा लो कि अगर हम सत्ता में वापिस आएंगे तो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देंगे और उनको मदद कर दो। मनोज जरांगे पाटिल ये कहते हैं कि मुझे ओबीसी में आरक्षण चाहिए, तो रोज मेरे पर बोलते हैं, वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं देना चाहते, देवेंद्र फडणवीस ने अटकाया हुआ है, पहले तो मैंने उनको एक बात साफ शब्द में कही कि भैया मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हम जो निर्णय लेते हैं साथ में निर्णय लेते हैं, कोई अलग निर्णय नहीं है, और मेरे मुख्यमंत्री जिस दिन ये कह देंगे कि उनको कोई मराठा समाज के लिए निर्णय लेना और मैंने अटकाया हुआ है, उस दिन मैं इस्तीफा भी दे दूंगा और राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।